हेलो एवरीवन, मैं जसप्रीत कालरा आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बनाएंगे अम्ब्रेला स्लीव्स, उसे फुल सर्कुलर स्लीव्स भी कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द कटिंग ऑफ स्लीव्स। ये मैंने स्लीव्स की कटिंग करके रखी हुई है, नॉर्मल स्लीव्स हैं जो उसकी हमने कटिंग पूछा जो मैंने नॉर्मल स्लीव्स हैं उसकी कटिंग करके रखी हुई है। ये हमने सिंपल ही स्लीव्स कटिंग करनी है। और जो नेक्स्ट फैब्रिक्स हैं वो मैंने मैचिंग लिया है, उसके लिए हमें कम से कम आधा मीटर फैब्रिक चाहिए। और उसको मैंने पहले 4 फोल्ड्स किए हैं, फिर उसके बाद 8 फोल्ड्स, यानी कि ये 2 फोल्ड्स, 4 फोल्ड्स एंड फिर से 8 फोल्ड्स की कटिंग मैंने की है। और जो स्टार्टिंग हमने करनी है, जो बंद वाली साइड है, उसे हम अपनी तरफ रखेंगे। और ये जो बॉटम है स्लीव्स का बॉटम, ये मैंने जो इसकी लेंथ ली है ये 12 इंचेस ली है। और जो अम्ब्रेला की लेंथ लेंगे वो हम 6 to 7 इंचेस की लेंगे। और जो बॉटम है हम उसे नापेंगे, ये है 6 इंचेस। तो इसको हमने डबल फोल्ड कर देना है ताकि इसके भी 8 फोल्ड्स हो जाएं, तो उन मेजरमेंट आता है 3 इंचेस। तो हम जो कॉर्नर साइड है उसे हम 3 इंचेस की मार्किंग करेंगे। 3 इंचेस की ये मार्किंग करने के बाद आपने यहाँ पे, जैसे मैंने मेजरमेंट, मैंने स्लीव्स की लेंथ रखनी है 6 इंच रेडी, तो 6 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। ऐसे आपने राउंड मार्किंग करनी है, उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये वाली साइड आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिटिंग नहीं आएगी। कटिंग करने के बाद ये हमारे 2 पीसेस कट हो गए। अब ये जो है हमने इसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट करना है कि इसके अकॉर्डिंग पूरी जहाँ तक कट है वो प्रॉपर कटिंग आई है। और जो आपने स्टिचिंग लाइन देनी है वो आपने यहाँ से स्टिचिंग लाइन देने के बाद इसकी टर्न आउट करनी है। मैं आज स्टिचिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कटिंग की वीडियो है, तो आपको कटिंग की वीडियो मैंने बहुत ही इजी वे से बताई है। और उसके बाद आपने ये वाली स्टिचिंग फ्रंट के साथ, फ्रंट रखने के बाद यहाँ पे स्टिचिंग लाइन दे देनी है। और फिर ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स ऐसे रेडी हो जाएंगी। अभी मैं बाद में आपको स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी। तो नाउ अभी आप कटिंग करो। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये कटिंग की वीडियो समझ आ गई तो प्लीज़ आप कटिंग करके रखना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग भी बता दूँगी। थैंक यू।